काल को बहुत उचित ठहराया था। अच्छा, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज, समझे ना? अब वही देखिए, उस कालखंड को याद कीजिए। अकबर का जो कालखंड है जी, उसी में तुलसीदास हैं, अच्छा अच्छा, उसी में मीरा है, उसी में रामचरितमानस की रचना हुई। लेकिन पूरा हिंदुस्तान में राज करते हुए भी मुगल ने आंच नहीं आने दिया किस पर? रामायण पर। ये ताज्जुब की बात, तुलसीदास को कहीं प्रताड़ित नहीं किया, कहीं प्रताड़ित नहीं, तुलसीदास ने बड़ाई भी नहीं किया जी। उसी में तानसेन है, उसी कालखंड, उसी में मीरा भी है, कृष्ण भक्त मीरा भी है जी। और मीरा, जब मीरा का नाम होने लगा, पूरा राजस्थान से पूरा निकलने लगा, दिल्ली के सत्संग को अकबर को ही पता चला। अकबर उनके दर्शन के लिए आता है, मीरा जी। हाँ, और मीरा वहां भजन गा रही है, कहाँ? कृष्ण के मंदिर में, अपने ससुराल के कृष्ण के मंदिर में भजन गा रही। अकबर आता है, उनको प्रणाम करता है, एक हार देता है हीरे का, भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए। उसी पर जो मीरा का पति है भोजराज जी, राणा भोजराज, वो उनके चरित्र पर शक करता है। चरित्र पर शक करता है और तानसेन के साथ अकबर आता है जी, और धार देख कहता है कि कृष्ण को चढ़ा दीजिए। तो अभी का जो वातावरण है जी, वो अधिक दूषित हो चुका है। अधिक दूषित हो चुका है। अब जैसे आज ही मैं अभी देख रहा था, गोदी मीडिया ने, अभी खड़गे ने जीता जी, खड़गे ने प्रेसिडेंट का चुनाव जीता शशि थरूर को हरा के, और अच्छे वोटों से हरा। गोदी मीडिया ने उसका क्या हेडिंग दिया, कैप्शन जो बनाते हैं जी, इतना जहर दिया। मैं कहा अगर सारा मेरे सामने होता तो विचार लात तो मैं ही मारता कि लोकतंत्र या कंट्रोल तंत्र। कंट्रोल तंत्र ये दे रहा है कि ये तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला है सोनिया गांधी जी। उसके बाद अभी क्या हुआ है अर्जुन सिंह जी, कि कांग्रेस का जो मीडिया सेल है वो काफी